हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यून टेक वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो टॉपिक के अंदर बताएंगे आपको जो मोबाइल का अंदर जितना भी मैसेजेस है आपको ब्राउजर के अंदर एक्सेस करना है। दोस्तों आप लोग सब जानते हैं कि आपको व्हाट्सएप में जितना भी मैसेज है, जो वीडियो है, ऑडियोस है या कोई भी इमेजेस है, वो हम ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं, उसमें से आप अपलोड या डाउनलोड भी कर लेते हैं। लेकिन आप SMS के लिए कोई ऑप्शन नहीं था हमारा फ़ोन में, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेंगे वो हम इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, आप सब लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में लगा हुआ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करने से हमारा जितना भी भविष्य में आने वाला वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। तो हम चलते हैं आज का वीडियो टॉपिक में। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा गूगल क्रोम में messages.google, इसको हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे messages.google.com, इसमें देखिएगा वेब के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। आपका इस तरफ एक पेज खुल जाएंगे, इसमें आपका देखिएगा टेक्स्ट ऑन योर डिवाइस बाय पेयरिंग योर फोन, यहाँ पे इस तरफ QR कोड आ जाएंगे। उसके बाद रिमेंबर दिस कंप्यूटर, अगर आपको भविष्य में आपका कंप्यूटर में हर बार लॉगिन करने का जरूरत नहीं है, QR कोड स्कैन करने का जरूरत नहीं, जब ये टिक मार्क को ओके कर दिया तो हमें हर बार लॉगिन करना है, स्कैन करना, तो हम इसको ऑफ कर देते हैं, तो हर बार हम यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद आपका फ़ोन में एक, अगर मान लो गूगल मैसेज है तो अच्छी बात है, अगर गूगल मैसेज नहीं है आपको गूगल मैसेजेस गूगल प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करना पड़ेंगे, वो भी हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो हम अभी चलते हैं मोबाइल फ़ोन में। यहाँ पे देखिएगा हमारा फ़ोन में गूगल मैसेजेस है, कहीं कहीं फ़ोन में देखिएगा खाली मैसेजिंग मिलेगा। अगर गूगल मैसेज इस तरफ मैसेज का सिंबल आपका फ़ोन में नहीं है, आप अपना प्ले स्टोर में जाना। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च करना है गूगल मैसेजेस, यहाँ पे प्ले स्टोर में आप जाके गूगल मैसेजेस सर्च करना है। सर्च करने के बाद इस तरफ मैसेज मिल जाएंगे आप गूगल LLC का, यहाँ पे आप इस मैसेज को इंस्टॉल करना है। तो हम अभी फ़िलहाल इंस्टॉल कर रखे हैं, हम डायरेक्ट आज का मैसेज में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये मैसेज खुल गया। मैसेज के बाद यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर में 3 horizontal dots है, इसका क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं, आप जाना कहाँ है, डिवाइस पेयरिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। डिवाइस पेयरिंग क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा नीचे QR कोड स्कैनर, तो QR कोड स्कैनर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देखिएगा लैपटॉप का स्कैन करोगे आपका डिवाइस पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा यू आर रेडी, तो यहाँ पे देखिएगा अपना लैपटॉप में पूछ रहा messages.google.com want to show notification, ये आपका ऑप्शन है, यहाँ अलो या ब्लॉक भी कर सकते हैं, हम फिलहाल के लिए ब्लॉक कर देते हैं। पर यहाँ पे देखिएगा जो भी मैसेजेस है आपका फ़ोन का जितना भी यहाँ पे ओपन हो गया, आप यहाँ से डायरेक्ट आप ओपन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं तो आप हर बार अपना एक एक मैसेज के लिए फॉरवर्ड करना पड़ता है, उसके बाद आप उसको या मेल या जीमेल या व्हाट्सएप या किसी अन्य रूप से भी आप लेना पड़ता है। लेकिन इसमें आप व्हाट्सएप वेब जैसे आप पूरा मैसेज को एक्सेस कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आपका मैसेजेस पर वेब लॉगिन हो गया, इसके अंदर एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे देखिएगा मोर ऑप्शन जो 3 dots है, इसके अंदर आपको टर्न ऑन डार्क थीम कर सकते हैं, इस तरफ डार्क थीम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इतना ही था आज का टॉपिक में, आपको कोई भी डाउट होंगे आप हमारा वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो आपको बहुत पसंद आया, तो ज़रूर इसको लाइक करें और साथ में अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूले, और आपका दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।